नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसे हैं भाइयों आप लोग? जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे भाई, आपसे निवेदन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा। बता दे भैया आप लोगों को, खेसारी लाल यादव जी का जो सॉन्ग था भैया बोलबम सॉन्ग, आज दो सॉन्ग रिलीज होने वाला था, लेकिन आज भैया तीन सॉन्ग रिलीज हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन सॉन्ग दोस्तों एक साथ रिलीज किया गया है, जिसमें से दो वीडियो गाना है दोस्तों और जिसमें एक ऑडियो गाना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, एक ऑडियो गाना वो है जो वेब कंपनी से रिलीज हुआ भैया, सुबह कितना पूरी कोरोना खा गई, जबरदस्त और बेस्ट गाना है भैया। तीनों गाना जो है ना बेस्ट है, लेकिन जितने भी खेसारी फैंस है, जितने भी खेसारी लाल यादव के चाहने वाले हैं, जितने भी दर्शक हैं, सबको पता था कि जो गाना है ना, गाना आने वाला है दो ठो, और सबको पता था कि सबको आशा भी था कि एक गाना सुबह रिलीज किया जाए, एक गाना जो है शाम में रिलीज किया जाए, लेकिन दोनों सेम टाइम पे भैया गाना रिलीज कर दिया गया है। अब ये कंपनी वाला का दोष है कि कंपनी वाले अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कि खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये तो कंपनी वाला का ईमान जाने और कंपनी वाले भैया जाने। लेकिन जी बता दें आप लोगों को, जितने भी खेसारी फैंस हैं वो सभी नाराज हैं। नाराज का कारण ये है भैया कि कोई भी गाना एक साथ तीन वो आ जाए या दो गाना आ जाए, उसी में तो सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाने के बाद भैया किसी गाने में कम व्यू आ जाता है। तो जो डर्टी स्टार एक अभी घिरा हुआ जी नाम है उनका, टैक्स भोजपुरी, उन्होंने डर्टी देवी एक स्टार का नाम रखा है। तो वो डर्टी देवी का जो क्या बोलते हैं उसको, चमचे लोग जो है, जो नाजायज औलाद उसको आप लोग कह सकते हैं, उन लोगों क्या ना भैया कुछ मसालादार मिल जाता है न्यूज। न्यूज क्या मिलता है उन लोगों को, खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाना रहता है, साफ बात यह है। तो ये जो हो रहा भैया बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक ना। जितने भी दर्शक इस वीडियो देख रहे हैं भैया, हम गलत बोल रहे हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा भाई ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। यदि खेसारी लाल यादव का पता चलता है दो गाना और तीन गाना आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है भैया कि कंपनी वाले भी क्या करे, कंपनी वाला जो है क्या करे, कंपनी वाला तो भी, उनको तो भी सावन का महीना भैया बहुत कम है, आप जान रहे, और दो सोमवारी बचा है और तीन सोमवारी गायब हो गया है, मतलब तीन सोमवारी खत्म हो गया, समझ लीजिए गाना कितना खेसारी लाल यादव का, बहुत सारा गाना खेसारी लाल यादव का भैया, और सावन का महीना भैया कम है, तो सभी कंपनी वाला चाहता है कि लास्ट में रिलीज करके गाने को क्या करेंगे, इसीलिए सभी लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी करके तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, अभी करके कोई फायदा, और उसमें बीच कम आ रहा, सभी कंपनी वाला एक हो जाए। यदि पता चल रहा कि आज खेसारी लाल यादव का वेब से गाना आ रहा, हम भोजपुरी से आ रहा, यदि उन लोगों को पता चले लोटस म्यूजिक से गाना आ रहा, तो सभी एक मीटिंग बैठा करके सभी को पता करना चाहिए, एक बैठक के साथ या कॉल, सभी मतलब अपना प्रस्ताव रख करके, नहीं आज मेरा गाना रिलीज होगा, आज मेरे कंपनी से आएगा, कल आपके कंपनी से आएगा, तो इस तरह सलाह परामर्श करके गाने को रिलीज करना चाहिए। इससे क्या होता है, गाने का व्यू भी आएगा, और जो चमचे लोग बोलते हैं गाने का व्यू, तो बता दे तुम लोग को चमचा लोग कि खेसारी लाल यादव का जितना गाना है ना, उतना तुम लोग का व्यू आया, व्यू तुम्हारा पोर्न स्टार का तुम लोग जो बोलता है, उतना तुम लोग का व्यू आया है, ठीक ना। और कितना तुम लोग का गाना आया, दो से तीन गाना तुम लोग का हार्डली आया है, दो से तीन गाना आया है। यदि वही दो से तीन खेसारी लाल यादव गाना आता तुम लोग का अफरा तफरी मच जाता। खेसारी लाल यादव का रोज कभी दो गाना, आज तीन गाना, दो गाना रिलीज होने वाला था, लेकिन तीन गाना रिलीज हो गया। बताइए एक सॉन्ग का नाम है भैया भांग पिसला से बथे कलाई, इस सॉन्ग को भैया पवन पांडे ने लिखा है, शंकर सिंह जी ने म्यूजिक दिया, और ये भी गाना भैया सुबह ही रिलीज कर दिया गया लोटस म्यूजिक से, तीन तीन गाना। तो ऐसा ना करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना कमेंट में जरूर आए दे भैया आगे क्या करना चाहिए, और तीनों सॉन्ग आप लोग सुने और भरपूर प्यार दे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी खेसारी फैंस का राय हमारे कमेंट बॉक्स में आ सके। और हमारे चैनल को दोस्तों ने तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो का एक लाइक का बटन दबाइएगा, अपने मीठे मीठे बात को भैया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, आई लव यू।